नमस्कार दोस्तों, मैं चल में आपका एक बार फिर से स्वागत है और एक नई वीडियो के साथ। तो फिर बिना इंट्रो में टाइम वेस्ट के वीडियो में आगे बढ़ते हैं, देन लेट्स स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, अगर आपकी पैनल में दो CCFL बैकलाइट लगे हुए हैं और मार्केट पे आपको दो आउटपुट देने वाली इन्वर्टर कार्ड नहीं मिल रहे हैं और उसकी जगह आपको इस तरह की चार आउटपुट देने वाली इन्वर्टर कार्ड मिल रहे हैं, तो इस चार आउटपुट देने वाली इन्वर्टर कार्ड को कैसे आप दो कनेक्शन में कन्वर्ट करके इसे यूज कर सकते हैं, आज के वीडियो में हम यही सीखेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। सो चार आउटपुट देने वाली इस इन्वर्टर कार्ड की किसी भी साइड की किसी भी एक पॉइंट को जब आप देखोगे, जैसे कि इस चॉपर से निकला हुआ ये पॉइंट ऑलरेडी इस कनेक्टर के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन इस पॉइंट से कनेक्टर की दूसरी पॉइंट के साथ कोई भी कनेक्शन नहीं है, यहाँ पर आप देख सकते हो। और यही पर हमें थोड़ा काम करना होगा, यानी चॉपर की इस पॉइंट के साथ कनेक्टर की उस पॉइंट को शॉर्ट कर देना है। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर हम एक चॉपर की राइट वाली कनेक्टर को शॉर्ट करते हैं तो दूसरे चॉपर की लेफ्ट वाली कनेक्शन को या फिर कनेक्टर को हमें शॉर्ट करना है, जैसे कि ये कनेक्टर और इस चॉपर की भी आउटपुट पॉइंट कनेक्टर की इस पॉइंट के साथ ऑलरेडी शोल्डर किया हुआ है, लेकिन इस पॉइंट से कनेक्टर की इस पॉइंट तक कोई भी कनेक्शन नहीं है। सो यहाँ पर हमें काम करना है, यानी चॉपर की इस पॉइंट के साथ कनेक्टर की इस पॉइंट को हमें शॉर्ट करना है। तो चलिए दोनों कनेक्टर की कनेक्शन को करते हैं। सो हमारा कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पर आप देख सकते हो। जैसे कि मैंने नीचे वाली चॉपर की लेफ्ट कनेक्शन को और ऊपर वाली चॉपर की राइट कनेक्शन को शॉर्ट किया है और बाकी दो कनेक्टर को हमें ऐसे ही छोड़ देना है। उन दो कनेक्टर से हमें आउटपुट मिलेगी। तो चलिए अब इसे टेस्ट करने की बारी और पैनल के साथ इसकी कनेक्शन करके टेस्टिंग को पूरा करते हैं। और यह है इस इन्वर्टर कार्ड की कनेक्टर, इसे हमें कुछ इस तरह से लगाना है। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर पॉइंट दिया हुआ है जैसे कि VCC और इस साइड पे दिया गया है ग्राउंड, यानी लेफ्ट साइड पे हमें 12 वोल्ट पॉजिटिव और राइट साइड पे हमें ग्राउंड कनेक्शन देना है। सो हमें इस कनेक्टर को कुछ इस तरीके से लगाना है। तो चलिए अब पैनल की CFL लाइट की कनेक्टर को इन्वर्टर कार्ड के साथ कनेक्ट करते हैं। और अब हम इस यूनिवर्सल टीवी मदरबोर्ड के साथ इस कनेक्टर के थ्रू वोल्टेज इनपुट देने के लिए इन्वर्टर कार्ड को कनेक्ट कर दिया है। तो चलिए अब यूनिवर्सल टीवी बोर्ड को पावर देते हैं और देखते हैं LCD बैकलाइट जल रहा है कि नहीं। सो यहाँ पर आप देख सकते हो, यूनिवर्सल बोर्ड को रिमोट से ऑन करते ही डिस्प्ले पे लाइट आ चुका है, यानी बैकलाइट जल चुकी है। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।